अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबका। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पे बन रहा है ये हाथ में जो हम लोग पहनते हैं ना, फ्रेंडशिप बैंड बोल ले पता नहीं, ये सब जो सूते से बनता है ना, वही बना रही थी अभी हाथ में पहनने के लिए। रिंग भी है, मेरी बहन अभी अभी आपको दिखाई होगी अपना हाथ, वो रिंग बनाई थी हाथ का फिंगर में पहनने के लिए, तो वो पहन ली। पता नहीं ये सब बस थोड़े देर के लिए ही होता है, उसके बाद तो निकल ही जाना रहता है। ये अनस के हाथ में भी बना था, ये रिंग बनाई थी छोटा सा, और इस ये जो हाथ में ब्लैक कलर का पहना है ना, वो भी बनाया हुआ था। ये सब हाथ से बनाया हुआ था, अच्छा लगता है बच्चे लोग के ऊपर, और भी ज़्यादा क्यूट सा लगता है वो पहनता है तो यही बन रहा था यहाँ पे। उसके बाद ना ये कुछ पार्सल आ गए थे, मैं ना कुछ सामानें मंगाई थी, ये सारे अनस के लिए मंगाई थी, तो मैं आपको आस्ते से दिखाती हूँ क्या क्या आया है और ये मैं क्यों मंगाई हूँ, ये सब मैं भी आपको बताऊँगी आगे चल के। तो ये देखे, ये ना एक मैट है, इसे आप सेफ्टी मैट भी बोल सकते हैं। नीचे बिछाने से ना, मतलब जो गिरता है ना बच्चा लोग, बहुत ज़्यादा उसके लिए अच्छा है कि वहाँ पे जहाँ पे जो प्लेइंग एरिया है आपका, मतलब जहाँ पे बच्चे जहाँ ज़्यादा खेलते हैं ना, जहाँ पे ज़्यादा रहते हैं, वहीं पे आप इसको लगा दे तो ये गिरेगा तो आपको चोट ज़्यादा नहीं लगेगा बच्चे लोगों को। तो ये इस तरह से नंबर वाला मैं मंगाई थी कि थोड़ा पढ़ भी लेगा इसमें, मैं कोशिश करूँ इसे पढ़ाने की भी। ये किस तरह से लगता है मुझे पता नहीं, मैं तो ऐसे ही लगा दी थी, इसी तरह से लग रहा था तो मैं ना ऐसे ही इसको लगा दी धीरे धीरे करके, मतलब ये लग रहा था कि ऐसे ही सेट होगा पर पता नहीं कैसे होगा, तो मैं इसको डाल दी ऐसे ही। इस पर ना ये खेलता है तो फिर गिरता है तो चोट नहीं लगता ऐसे, क्योंकि जो ज़्यादा गिरे ना तो उसके लिए ठीक है। ऐसे तो हेलमेट भी आ गया है मार्केट में, बच्चों लोग के लिए हेलमेट भी आ गया है, पर ये ना पहनना नहीं चाहता, मतलब इसको अगर कैप भी पहना दो ना तो तुरंत निकाल देता है, तो इसलिए मैं सोची ना कुछ ऐसा ले आऊँ ताकि जो इसका प्लेइंग एरिया है ना, जहाँ पे ज़्यादा प्ले करता है, तो मैं वहीं पे ज़्यादातर इसको बिछा दूँगी तो फिर ये ना गिरेगा नहीं, चोट नहीं लगेगा इसे ज़्यादा। और ये ना एक बॉल में मंगाई थी, तो ये बॉल मतलब आप चाहे तो उसको छोटा भी मंगा सकते हैं। मैं ना ये एक्सरसाइज बॉल आता है ना जो बड़ा ऐसा, वो मंगाई थी, ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, मतलब मीडियम साइज़ का जो आता है वो मंगाई थी। ये सारा मैं एक्सरसाइज़ के लिए मंगाई थी, और ये चेयर भी, ये मैं आपको दिखाऊंगी मैं क्या क्या इसका एक्सरसाइज़ करती हूँ। ये सारा चीज़ मैं एक्सरसाइज़ के लिए मंगाई थी, आप चाहे तो छोटा भी मंगा सकते हैं, बट मैं थोड़ा बड़ा मंगाई थी तो क्यों थोड़ा हैवी होता है। और उसके साथ साथ मैं आपको ये अंडे भी दिखा रही हूँ, ये अंडे एक्चुअली मैं लेकर आई थी, मैं ना मैं मार्केट से गई हुई थी तो वहाँ देखी ना इतने बड़े बड़े अंडे मिल रहे थे, मैं सोची पता नहीं किस चीज़ के, बत्तख के हैं कि क्या, तो मैं सो ले लूँ, क्योंकि वो लोग बोले थे कि नहीं ये मुर्गी के ही है, तो मैं ले ली उसको लेकर के आई, मैं देखती हूँ इसको कैसा होता है। और ये बॉयल करने के बाद देखे, इसमें ना डबल डबल योक है, और ये ना मैं फ़र्स्ट टाइम देखी थी डबल योक वाले अंडे। तो खैर उसके बाद यहाँ मैं आप लोगों के साथ ना ये एक्सरसाइज शेयर कर रही हूँ अनस का, जो मैं एक्सरसाइज करती हूँ। एक्चुअली इसका थोड़ा बोल एक बोल सकते हैं, मतलब उतना ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल माइनर सा है, बट इसके लिए ये एक्सरसाइज वगैरह बताया गया है डॉक्टर ने, तो मैं वही करवाती हूँ उसको, ताकि जो भी है उसका हल्का भी है ना तो वो ठीक हो जाए, क्योंकि अभी तो 2 ईयर्स तक रहता है थोड़ा बहुत बच्चे लोगों के अंदर, उसके बाद अपने आप नॉर्मल हो जाता है, बट मैं सोची अभी से इसको कराऊंगी ना तो थोड़ा ठीक हो जाएगा। और ये एक एक्सरसाइज था कि पैर से, मतलब मैं इसको पकड़ी हुई थी और ये इसको ना अप एंड डाउन कर रही थी चेयर पे, वो एक एक्सरसाइज था। और ये सेकेंड एक्सरसाइज है बॉल में ना किक करना, आप चाहे तो छोटा बॉल भी मंगा सकते हैं, बट ये हैवी रहता है ना तो बच्चे लोग ईजिली किक कर पाते हैं और ये ना जल्दी मतलब घसकता नहीं है, तो इसलिए मैं ना इस तरह का एक्सरसाइज बॉल मंगाई थी ताकि ये ना किक करे। किक करने से क्या होगा ना, इसका पैर मतलब थोड़ा ना नॉर्मल सा हो जाएगा, जिस तरह से लूज़ हो जाएगा, ताकि वो इजली अपने पैर को ना बैलेंस कर पाए। तो ये सारे एक्सरसाइजेस बताए गए थे डॉक्टर ने, तो मैं वही सब इसको करवाती हूँ, दिन में एटलीस्ट 1 से 2 बार भी करवाएंगे ना तो चल जाएगा। और ये थर्ड वाला एक्सरसाइज है,
जो मैं इसको किसी वॉल पे ना स्टे करा करके कभी राइट पैर कभी लेफ्ट पैर ऐसे करके मैं ऊपर थोड़ी देर के लिए स्टे करती हूँ, ताकि थोड़ा देर रहे स्टे, एटलीस्ट 10 सेकेंड, ज़्यादा भी नहीं आपको करना है, और फिर नेक्स्ट पैर करना है। मतलब ऐसे ही करते रहना है आपने। ये देखे होंगे ये थोड़ा ना लेफ्ट वाला जो लेग है इसका, ये ना जल्दी इस पे बैलेंस नहीं कर पा रहा है, और राइट वाला पे हो जा रहा है इसका इजीली बैलेंस। एक्चुअली इसका जितना भी एक्सरसाइज है ना, ये सारा बैलेंस के लिए करवाया जा रहा है, ताकि इसको बैलेंस मिले चलने में और उठने वगैरह में। ऐसे तो इजीली चल लेता है, बहुत अच्छे से चलता है, बट इसका हल्का सा ये कर्व बना हुआ है, आप लोग को मालूम होगा ये बोल एक किसे बोलते हैं, ये हल्का जो कर्व रहता है ना उसे ही बोल एक बोलते हैं। तो इसका बिल्कुल माइनर सा है, बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है। तो मैं अभी से इसको करवाती हूँ, ताकि जब थोड़ा बड़ा हो जाए तो इस अच्छा हो जाए इसका, मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर कि कोई बेबी का इस तरह से है ना, तो आप ये स्टेप ज़रूर से फॉलो करिएगा, इस तरह से एक्सरसाइज, तो इससे ना बिल्कुल ठीक हो जाता है। और थोड़ा सा मसाज करते रहना है इसका। और यहाँ मैं शाम में ना ये बनाई थी पास्ता, तो इसकी रेसिपी जिसको भी चाहिए तो कमेंट करना होगा, ज़रूर से कमेंट करिएगा, तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। ऐसे तो इसका रिकॉर्ड मैं नहीं की थी, तो मैं करके फिर से बना लूँगी और मैं फिर से आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो यही था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।